सरकार के अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं सारे लागू कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक काम रहेगा, बैंक का प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट बैंक का सीजन एजेंट जाता है, उसका गाड़ी उठाता है, पूरा मोहल्ला वाला उसका जानता है कि आज ही ने बैंक का पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे गरीबों की योजनाएं बैंकों के द्वारा ही चलती है। एक बाहर जो रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले लोग हैं, अगर उनको जाके पूछ ले कि आपका खाता क्या है, तो कोई भी किसी प्राइवेट बैंक का नाम नहीं लेगा। रिकॉर्ड जो इनका है वो बिल्कुल देश को, पूरे देश को प्राइवेट रास्तों पे झोंक देना है। ये आप लोग का बैंक है और आज ये बिकने वाला है, इसे बिकने नहीं दे, आप लोग साथ दे। प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। जिस प्राइवेटाइजेशन को लेके तरह तरह के लोगों में सपने दिखाए गए, सालों से ये प्रक्रिया चलती रही है, कई बार तो लोग भी इस झांसे में आते रहे हैं, लेकिन अब जो प्राइवेटाइजेशन का असली मतलब है शायद लोगों को समझ आ गया है। इसी कड़ी में आज बता दें कि आपको बता दें, जिस तरह से पिछले दिनों स्टूडेंट का हो, किसानों का हो, प्रदर्शन चल रहा है, अब इस कड़ी में बैंक का भी प्रदर्शन जुड़ गया है। आपको बता दें 15 और 16 मार्च को ऑल इंडिया बैंक की बंदी रखी गई है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और प्राइवेटाइजेशन ही इस आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा नहीं है बल्कि समान अधिकार, समान वेतन जैसे भी मुद्दे हैं। तो आइए हम समझते हैं इस आंदोलन का क्या मतलब है और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे साथ हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है और आंदोलन का एक मकसद मात्र ये नहीं है कि निजीकरण, बल्कि आप तख्ती देख सकते हैं यहाँ पे समान कर समान वेतन का भी है। तो क्या लगता है सर, किस किस मुद्दे पे आपका मेन रूप से ये जो प्रोटेस्ट है वो है? सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन मुद्दा है वो है निजीकरण का। जो बैंक निजीकरण कर रही है आज हमारे सारे बैंकों को, चार बैंकों का नाम आया है इस बार वित्त मंत्री ने बोला है, तो ये निजीकरण जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभाव तो जनता पे इसका पड़ेगा, क्योंकि जब निजीकरण होगा तो सबसे ज़्यादा बैंकों का जो होगा कि लाभ कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, लोगों की भी सेवा कर रहे हैं, देश की भी सेवा कर रहे हैं, देश के सरकार के अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं सारे लागू कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक काम रहेगा, बैंक का प्रॉफिट कमाना। उसके बाद ये सेवाएँ भी कम होगी, गाँव में ब्रांचेज भी कम होगी, शुल्क भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ऋण पे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ज्वलंत है, वो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको देश को बचाना है, इस बैंक को बचाना है। सबसे पहली बात कि आज से कुछ साल पहले या कुछ दिनों तक पहले भी लोग प्राइवेटाइजेशन को लेके एक बड़ी अच्छा और मतलब अलग अलग तरह के तर्क देते थे कि इस तरह के डेवलपमेंट होगा, मानना है लोगों का, या कई बैंक के कर्मी या बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी ये मानना था कि शायद प्राइवेटाइजेशन होगा तो अच्छी सुविधाएं बैंक को प्रोवाइड किया जाएगी, या नो मैटर कि सिर्फ बैंक, अलग अलग सेक्टर को अच्छे सुविधा दिए जाएंगे, पब्लिक सुविधा बेटर होगा। लेकिन अब ये चीज़ें लोगों में बदल गई है, धारणा बदल रही है कि प्राइवेटाइजेशन से शायद लोगों का नुकसान होगा, नौकरी पे खतरा बनेगी या और कई तरह की परेशानियां होंगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो है BSNL को निजीकरण किया गया और भी जगहों को जो निजीकरण किया गया, वहाँ पे कम से कम 25% स्टाफ की छंटनी हो गई। अब लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी में जा रहे हो बेटा, बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन आपके पास सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो आप अमेरिका नहीं बना सकते हैं। यहाँ की एक तिहाई जनता जो है अभी भी निम्न स्तर से नीचे जी रही है, उनकी सेवा के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराना, उनको बैंकिंग उनके तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेवारी थी। जो 52 साल पहले हमारा राष्ट्रीय किरण किया गया, इसका कारण यही था कि हम अच्छे जो है कि सेवाएँ हम लोगों को दें, लेकिन आज सरकार सारी चीज़ें बेच देना चाह रही है, एक एक करके सबको निजीकरण किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव तो सब पे पड़ना है। जिस तरह की अच्छाइयाँ बताई जाती थी वो लॉकडाउन के समय देश ने, लोगों ने देखा है कि किन प्राइवेट संस्थानों ने लोगों का मदद किया है। आपको बता दें कि अंत में रेलवे ही और जो एयर इंडिया के विमान थे वही लोगों की ढो रही थी, सरकारी कंपनियां ही लोगों की मदद कर रही थी, प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं थे मैदान में मदद के लिए। तो ये हकीकत कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है, तब लोगों को लग रहा है कि अब इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको कि जिस तरह से लोगों का धारणा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, अब वो बदल रहा है धीरे धीरे? ये देश अंबानी अदानी से नहीं, हमारे खून पसीने की कमाई से चलता है। CBO जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोटबंदी के समय सबसे ज़्यादा परेशानी बैंक कर्मियों के साथ हुआ, कई जगह पे पैसे में मतलब उलट फेर हुई, सुविधाएं नहीं थी उस
चक्कर में कहें गलत नोट गिन दिए गए, उसका भरपाई बैंक कर्मियों ने अपने घर से किया, तब भी बैंक वाले उस तरह से प्रोटेस्ट में नहीं आए। तब भी लोगों को बोला जा रहा था कि बैंक कर्मियों को साथ आना चाहिए, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अब क्या लोगों को इतने दिनों बाद अब समझ आ रही है कि क्या खेल है पूरा ये? जो क्वेश्चन आप प्रश्न हमसे रखे, आपका आपके प्रश्न में ही आपका आंसर था। आप मीडिया से और आप सब सारे जनता से, चूँकि जनहित में आप ज़्यादा हैं, जिसके लिए हम खड़े हैं आज, वो आपने बताया कि लॉकडाउन में हमारा क्या यूज़ हुआ, हमको कैसे उपयोग किया गया, हमने कैसे अपनी सेवाएं दी, और लॉकडाउन से जिस समय जो जनधन खाता खोलने की बात सरकार कह रही है, हमने जनधन खाता खुलवाया, वो हमारा मेहनत किया हुआ था। हमने 15 मिलियन वन डेज में, जिस दिन ये लॉन्च किया गया 2014 में, वो खाता खोला। लॉकडाउन होने के बाद उस खाते में सबों को पैसा आया, 500 रुपया, और वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक में आया। प्राइवेट बैंक में वो भीड़ नहीं थी उस गरीबों की। ये सोचने की बात है। आप मीडिया कर्मी से आपसे अनुरोध है कि आप इसको जनता के सामने रखें, उन जनता को बताएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे गरीबों की योजनाएं बैंकों के द्वारा ही चलती हैं। सरकारी बैंकों के द्वारा आज के समय में अपनी सब मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि में रेड़ी वाले को 10,000 रुपया कर्ज दिया। आप प्राइवेट बैंक को देख लीजिए, उनका रेशियो और नेशनलाइज बैंक का रेशियो देने का, ऋण देने का 90-10% का रेशियो है। 90% नेशनलाइज बैंक है, 10% प्राइवेट बैंक है। ये सरकार चाहती है कि हम कैपिटलाइज से आत्मनिर्भर बन जाएं। एक चीज़ हमेशा रहता है कि जब भी कोई सरकार मतलब नया स्कीम लाती है, कई चाहे लोन का हो, कई तरह के और चीज़ों का हो, उसका बर्डन हमेशा सरकारी बैंकों पे ही डाला जाता है कि आपको इतने पैसे देने हैं, उसका रिकवरी भी लेना है। तो क्या लगता है कि ज़्यादा काम करना पड़ता है एक बैंक कर्मी को, स्पेशली सरकारी बैंक कर्मी? क्योंकि नेशनलाइज ही हुआ था पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, इसका मकसद ही था। उस समाजवाद को समाज को हम जोड़ते हुए तब हम सरकार को प्रॉफिट देते हैं, दोनों काम करते हैं। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर हम लोग कितना चल दिए हैं आजकल? पूरी तरह चल दिए हैं। आप ऐसे देख लीजिए, सारा PSU ऑलमोस्ट इन्होंने सेल कर दिया। प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, एस बैंक में दोनों भाई के लड़ाई के कारण एस बैंक बिक गया। धनलक्ष्मी की बैंक की बात करें, VLB की, उसका ये हाल हुआ कि हम सरकारी बैंकों में उसको मर्ज करना पड़ा, ठीक है, उसको इसमें करना पड़ा। ICICI बैंक का MD करप्शन में गया, ठीक है, लेकिन आप नेशनलाइज बैंक का एक भी उदाहरण दे दीजिए जिसका MD कभी करप्शन में गया हो, आज तक नहीं हुआ। हमने जहाँ तक प्राइवेट बैंक जो डूबा, सरकारी बैंकों ने उसको अपने अंदर समाहित किया, मतलब घाटे का चीज़ भी हमने लिया। क्या लगता है सरकार का क्या मानसिकता, क्यों लगता है उन्हें कि मतलब प्राइवेट करने से चीज़ें फ़ायदा होंगी, क्यों लगता है? भारत में लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है, प्राइवेट कभी भी उस लेबर रिसोर्सेज को कवर नहीं कर सकता। ये सरकार, आपको हमने बताया ना, इस सरकार की मंशा है आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसको बनाने के लिए इसको सेल करना है, देश की संपत्ति को। प्राइवेट, उन्होंने सिर्फ कहा वेबिनार सम्मेलन में कि मैं बिजनेस करने नहीं आया हूँ, यानी ये बैंक बिजनेस के लिए रहा है, जबकि आप जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं बैंकों के द्वारा चलती हैं, उसको वो बिजनेस का नाम दे रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों से एक शिकायत रहती है, नो मैटर क्या बैंक हो, शिक्षक हो, या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन के आप कर्मचारी हो, वो दूसरे के मुद्दों में, जैसे किसान के मुद्दे हो, स्टूडेंट के मुद्दे हो, अक्सर बोलने से बचते हैं। हम लोग भी बाइट लेने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी नौकरी पे बनाएगी। तो आज जब आप आंदोलन पे हैं, तो क्या लगता है कि किसान कैसे आएगी, किसान आपके समर्थन में आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, क्यों उनको उम्मीद मिलेगा कि आपके समर्थन? देखिए, एक्चुअल जो है ना, अगर आप इसका विरोध जो है, 84 ट्रेड यूनियन सभी कर रही है, जो हमारे हड़ताल के पक्ष में जो है 84 ट्रेड यूनियंस, इसमें किसान भी हैं, युवा संगठन भी हैं। युवा का जो केस आप बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो सबसे पहले जो यहाँ के लोगों की नौकरी को तो सरकार गारंटी दे रही है कि वो रहेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं जो बैंकिंग में की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो भावी बैंकर्स हैं उनके लिए भी ये लड़ाई है। और एक और बैनर पे आपका है, समान कार्य समान वेतन, उसका क्या है, उसका क्या मतलब है? उसका ऐसा है कि नेशनलाइज बैंक और SBI दोनों में डिफरेंस है।
ये राष्ट्रीयकरण अलग हुआ था 1969 में, वो 55 में भी हुआ था, वो एक धारा अलग है, इसका धारा अलग है। हम दोनों समान काम करते हैं, बैंक हमारे भी है, हम भी वही काम करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, सेम काम करते हैं, लेकिन हमसे उसको 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा है, हमारा उससे कम है। हम ये कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे, हमें समान वर्क समान वेतन चाहिए। चलिए, सामान्य कार्य समान वेतन का यही मतलब है। अब तक हमने टीचर्स के आंदोलन में देखा था कि शिक्षा मित्र के हैं, वो पुरानी बहाली है, उनका सामान्य कार्य समान वेतन का आंदोलन होता था, अब बैंक में भी है, ऐसे कई सेक्टर और हैं जहां भी सामान्य कार्य समान वेतन की बात होती है। मैम, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि महिलाएं अक्सर आंदोलन में कम दिखती हैं, लेकिन बैंक के आंदोलन है यहाँ पे, यहाँ भी उतने उस मात्रा में नहीं है, उस संख्या में नहीं है, तो क्या इसका नहीं बैंक अभी जो भी आप बोल रहे हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, आप थोड़ा अभी लेट आए हैं, बहुत ही ज़्यादा 100% हमारी महिलाएं साथ में थी, और हम लोग टोटली निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जब 1969 में बैंक का जब ये हुआ था प्राइवेट से, उसको जब सरकार अधिग्रहण की थी, इस वजह से की थी कि गरीब लोग का सबको लोन मिले, सबको एक समान उसका सब लाभ मिले, बैंक का लाभ मिले। अगर आज अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो किसको मिलेगा? गरीब तो गया, जो है अमीर को लोन मिलेगा। ऐसे भी अभी भी आप देखिएगा कि जिसका ज़्यादा अप्रोच मिलता है वो ज़्यादा अपना ऊपर तक जाता है, लेकिन हम लोग जो काउंटर पर रहते हैं डायरेक्ट सबको समान रूप से एक लाइन में रखते हैं, जो पहले टोकन आया उसको पहले देते हैं। ये कहाँ है, सिर्फ अपने हमारे सरकारी बैंक में ही है। आप एक्सिस बैंक में देखते हैं मिनिमम बैलेंस कितना है, हमारे बैंक में 0 बैलेंस पर भी खाता खुलता है। प्लस आप ये देखिए कि जितना सरकार का योजना है, आपका जनधन योजना हो गया, मुद्रा योजना, सब कौन कर रहा है? आज सरकारी बैंक कर रहा है, आज उसी के वजह से वो आगे बढ़े हैं, और आज उसी को बोल रहे हैं कि ख़त्म कर दें। क्यों उसको ख़त्म करने की बात हो रही है ये बताइए? और अभी पब्लिक ये पूछ रहा है कि क्यों आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? हम लोग अपने लिए नहीं जा रहे, हम लोग एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, और अभी हम लोग जो बैंक में हैं बहुत सारे कंपटीशन ये करके आते हैं, हम लोग कहीं भी खड़ा होकर काम कर सकते हैं, और हम लोग मेहनती हैं निश्चित तौर पे। सुन लीजिए पहले हमारा बात, जितना जनता है वो जनता क्या समझ रही है कि बैंक निजीकरण हो जाएगा तो उन लोगों को कुछ नहीं होगा? हम लोग को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका पैसा, वो जो पैसा का इस्तेमाल आज जमा कर रहे हैं 500 या 1000 रुपया, जब एक साथ इकट्ठा होके उसको जब पूंजीवादी को मिलेगा, वो उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। गरीब के लिए वो क्या करने पहले ये बताए कि सरकारी बैंक को आज निजीकरण कर रहे हैं, तो उसका वो कहाँ तक गरीब को उसमें निजीकरण में उसको क्या, उसका हिस्सेदारी क्या रहेगा? क्या उसको 0 बैलेंस पर खाता खुलेगा? कोई नहीं उसको खोलने के लिए तैयार है। आज भी 5000 पर एक्सिस बैंक में कोई नहीं जा रहा है, हमारे बैंक में सब लाइन लगा के आते हैं और हक से बोलते हैं हमारा खाता आज खोलिए, और हम लोग खोलते हैं। ये आपको प्राइवेट बैंक में नहीं होगा, और ये हम लोग के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए दिक्कत है, उनको समझना चाहिए कि ये डायरेक्ट और हम लोग सरकार को बनाएं। हाँ, निश्चित तौर पे मैम जो सवाल उठा रही हैं उसका बहुत बड़ा मतलब है कि निश्चित तौर पे बैंक कर्मी, आम जो कर्मी होते हैं, चाहे शिक्षक हों या और लोग हैं, ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन भर जो लेन देन होती है उसको शाम को मेंटेन करके जाना होता है, तो एक बात ध्यान में रहनी चाहिए आम पब्लिक को भी। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात है कि आज के डेट में जब निजीकरण हो रहा है, तो मैम ने एक जो सवाल उठाया कि क्या 0 बैलेंस या फिर इस तरह की जो सरकारी सुविधाएं आम पब्लिक को सरकारी बैंक के माध्यम से मिलती है वो मिलेगा? HDFC बैंक, ICICI बैंक है जो, वो कहीं भी मिनिमम 5000 से कम नहीं है, जो आपका अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है वो 5000 से कम नहीं है। तो क्या लगता है सर कि एक डर और भी है कि कहीं वेतन पे असर ना पड़े, कहीं वर्क जो पावर है, वर्क लिमिटेशन है, उस पर असर भी ना पड़े प्राइवेटाइजेशन के बाद? बिल्कुल, उस पर पड़ना तय है, जो गवर्नमेंट ये कहती है वो करती नहीं है। पिछले 6 साल 7 का रिकॉर्ड जो इनका है वो बिल्कुल देश को, पूरे देश को प्राइवेट रास्तों पे झोंक देना है। जो वो कहते हैं कि जो विरासत, वो विरासत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आज कोई भी जनता हो या हम हो, आज सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हैं, हर जनता, हर पब्लिक डरी हुई है। ये क्यों डरी हुई है? अगर आपका कोई भी नीति, कोई भी नियम अगर देश के हित में होता तो कम से कम बैंकर तो आपका विरोध नहीं करता, क्योंकि बैंकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर पिछले आपका जितना भी आपने जो वेलफेयर का काम किया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम बैंकर ने किया है, और आज उस बैंकर भी वो उसका अपना भविष्य खतरे पे है। आज जो देश का जो 80% जो कोर डिपॉजिट होता है, जो छोटे छोटे लोगों का होता है, वो लोन से वंचित हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि इसको कॉरपोरेट घर आने में हम दे दें, उससे बिक चुकी है ये सरकार, इसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल उस पर आएगा, इन लोगों की मोनोपोली होगी, कल चापलूसी बढ़ेगी,
जो चापलूसी करेंगे उनका वो सर्विस में आगे जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ये चलिए एक चीज़ और भी है कि एक चीज़ बात निकल के आया कि नौकरी पे भी खतरा आ सकती है, जैसा कि आई है, कोई मतलब नया बात नहीं है कि आ सकती है, और चीज़ें जिसमें प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया, चाहे जो एयरपोर्ट का मसला हो या फिर ट्रेनों की सफाई वाली व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन को दिया गया, वो कहीं ना कहीं मशीनों पर आधारित हो गया सारे चीज़ें, तो वर्क पावर है जो पब्लिक है उसको कम किया गया, मतलब कर्मचारी को कम किया गया, कटौती की गई, तो इन सारी समस्या है। और ये मत समझिए कि पब्लिक को इससे कोई नुकसान नहीं है, कहीं भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पब्लिक को है। अभी रेलवे का किराया मतलब इस तरह से बढ़ाया गया, हमने रिपोर्ट भी किया है, पटना में 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट किया गया, तो क्या गारंटी है कि जब ये बैंक पे आएगा तो बैंक को, सरकारी बैंक को प्राइवेट किया जाएगा तो उससे आम लोगों की दूरी बढ़ेगी नहीं? आप किस बैंक से? कैनरा बैंक। तो किस तरह की मुश्किलें हैं मतलब महिलाओं के लिए आज ये इस तरह के बैंक में, और आंदोलन जो कर रहे हैं आप, किस तरह के डर है? अगर मेजर डर की बात करें कि कोई भी आंदोलन करता है तो एक डर होता है चीज़ों की, मतलब कि आगे क्या बदलने वाला है, तो क्या लगता है आपको? सर, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आम पब्लिक के लिए होगी। हम लोग जो आम पब्लिक को, अभी जैसे कोरोना का काल था, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक ही जो आई थी सामने, वो खुल के पब्लिक को अपना सर्विस दे रही थी। तो ऐसे, और जनधन योजना की बात करें या गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही होके जाता है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट को और आम पब्लिक को ही मुश्किल आने वाली है। क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा आपके 2 दिन का आंदोलन से? क्योंकि किसान आंदोलन, स्टूडेंट आंदोलन, आए दिन आज के डेट में आंदोलन चल ही रहे हैं, तो आपके इस 2 दिन का आंदोलन से क्या बदलने वाला है, उम्मीद है कुछ? उम्मीद पे तो दुनिया है, आपको पता ही है। और फ़ायदा और नुकसान, ये चीज़ें सोचकर अगर कुछ काम किया जाए तो शायद कोई करे ना, कि हर चीज़ का आउटपुट है, पर हमने इनिशिएट किया है अपने तरफ से। हम जो है आम जनता को भी इस चीज़ के लिए बता रहे, अवेयर कर रहे हैं, इसके लिए सर लोग भी काफ़ी पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के बंटवाए जा रहे हैं कि क्या नुकसान है इसका, क्या फ़ायदा होने वाला है, या हम कितना आगे जाएंगे, या हमारा स्ट्रेंथ अपना हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। पर दिक्कत ये है कि इससे जनता को क्या नुकसान हो रहा है, हमारा मेन उद्देश्य उनको बताना है। जो गवर्नमेंट की ये नीति बनी है उसकी क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऐसा है कि इससे क्या होने वाला है, प्राइवेट होने के बाद हमें क्या नुकसान होगा एज अ बैंकर्स या एज अ एम्प्लॉय, क्या क्या सिचुएशंस हमारे लिए आएगी, दैट इज़ डिफरेंट। बट क्या है कॉमन पीपल, जैसे अभी आप अगर आप एक बाहर जो रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले लोग हैं, अगर उनको जाके पूछ लें कि आपका खाता क्या है, तो कोई भी किसी प्राइवेट बैंक का नाम नहीं लेगा। जब मैं स्टूडेंट थी, मेरा अकाउंट था एक प्राइवेट बैंक में ही था। स्टूडेंट लाइफ में आप सडनली ईयरली आपका ATM चार्ज डेबिट हो गया, ठीक, तो हम उतना बेयर नहीं कर सकते। हमने सोचा इतना पैसा क्यों कट गया, 450 था, चार्जेस नहीं थे ज़्यादा, बट एट अ स्टूडेंट मेरे लिए ज़्यादा था क्योंकि आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम। तो क्या होता है ना कि अभी अगर एक ठेला रिक्शा चलाने वाले से आप पूछते हो, उसका डेबिट चार्ज कट जाता है, कितने लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इस तरह की छोटे छोटे जो चार्जेस होते हैं वो आपका बहुत असर करता है एक आम आदमी के लिए। वो लोन लेने के लिए सोचेगा तो सबसे पहले ख्याल जो आएगा वो किसी नेशनलाइज बैंक का आएगा, किसी भी प्राइवेट बैंक का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो एक अपनापन जुड़ा है, सर्विस जुड़ी है, वो चाहते हैं कि हम इजीली जाएं, लोग हमसे बात करें। किसी भी प्राइवेट बैंक में पैर रखने से पहले उसको देखते हैं, यहाँ इतना चार्जेस है, ये है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में आती है। तो ये सारा जो नुकसान आम आदमी को होगा, हायर इंटरेस्ट है प्राइवेट बैंक में, जो भी लोन है सब हायर इंटरेस्ट पर है, प्लस आपका उसका सीजर एजेंट जो है, हम लोग जैसा कोई भी सरकारी बैंक सबसे पहले अगर राइट ऑफ के लिए भी आता है तो हम लोग उसको नाश्ता खाना कहकर और उसके बाद उससे बात करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक का सीजर एजेंट आता है, उसका गाड़ी उठाता है, पूरा मोहल्ला वाला उसका जानता है कि आज ही इन्होंने बैंक का पैसा नहीं दिया। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक पोलाइटली किसी के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो हम लोग को यही इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप यही काम कीजिए, किसी भी आम जनता को जाइए, गाली दीजिए, उसका सामान लेके चले आइए। चलिए, आम लोगों से बैंक आज भी, इतने बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के बाद भी आम लोगों से बैंक आज भी बहुत दूर है, ये इस बात की सच्चाई को आप भी जानते हैं। और इस तरह के जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप सरकार के पास अपनी मुद्दे पहुंचाएं, उससे पहले आप पब्लिक को इस मुद्दे से अवेयर कराएं और पब्लिक को जागरूक करें कि इस मुद्दे से आपकी क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है।
तो क्या लगता है पब्लिक तक आप पहुंच रही है? बिल्कुल, पब्लिक तक पहुंचने के लिए ही ये स्ट्राइक कराया गया है। दो दिन बैंक बंद है, इससे हमारे साथ साथ उन्हें भी थोड़ा असर पड़ेगा। वो भी जानना चाहते हैं कि दो दिन हड़ताल क्यों है, ये उनकी भी इच्छा है कि आखिर दो दिन हमने बैंक को बंद रखा है, हम यहाँ पे देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारी आखिर क्या डिमांड्स है। तो ये हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताया जा रहा है, बैनर्स पैम्पलेट छपवाए जा रहे हैं, हमने इतना मार्च लगा निकाला यहाँ से वहाँ तक बैनर्स के थ्रू, हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन की ब्रांचेस में भी जो कस्टमर्स आ रहे हैं, हमने ये ब्लैक बैच पहन रखा है, अब देखिए सारे लोगों ने ब्लैक बैच पहन रखा है, अगर आप पैसे निकलते हैं तो किसी की भी अगर नज़र पड़ जाती है वो पूछते हैं आपने ये क्यों लगाया है, मेरे आईडी पे लगाया है, क्योंकि ये जो है हमारी पहचान छुपा रहा है, हमारे अस्तित्व। आप काम भी कर रही है ऐसे ही लगा के बैचेस? एग्जैक्टली हम लोग पब्लिक ताकि जाने कि हमारी ये पहचान छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, और जो जनता के जो अधिकार है, जो जनता के लिए हम ये लड़ रहे हैं, उनके लिए, उनको जानकारी देने के लिए और भी तरह के जो भी तरीके हैं हम कर रहे हैं, बाकायदा बैनर्स हिंदी में, इंग्लिश में, जिस ईजी लैंग्वेज में जो उन्हें समझ में आए कॉमन आदमी को, वो हम लोग दे रहे हैं ताकि उन्हें पता चले। सुबह अखबार के साथ दिए जा रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं अखबार पढ़ते हैं उनको वो मिलेगा, उसके थ्रू न्यूज़ चैनल जैसे आप है, कॉमन जो लोग देख रहे हैं वो, हम यहाँ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आते जाते सुन रहे हैं, 10 बार बोलेंगे एक बार तो सुनेंगे ही कि क्या है, तो उन्हीं के हित के लिए तो हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो जागरूक हो, ठीक है, और हमारे अंदर का जो बातें हमारे अंदर से आ रही है वो उन तक पहुंच पाए। बहुत सारी चीज़ें, एक आंदोलन होता है तो सिर्फ एक आंदोलन, प्रोटेस्ट और कई सारी परेशानियाँ लोगों का हुजूम से मत जोड़िए, कई मतलब होते हैं उसके, कई सारे सवाल होते हैं, प्राइवेटाइजेशन को लेकर कई तरह की बातें होती रही है, लेकिन इसकी हकीकत अब समझ लोगों के आ रही है शायद, और जो सरकार एक मुगालता पाल के बनाई हुई है सर, लोगों के मन में, अपने मन में, कि पब्लिक को अब नहीं समझ आता, क्या सब लोग बेवकूफ़ है जो टीचर आंदोलन करते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके, जो स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तरह तरह के निजीकरण के खिलाफ, और किसान आंदोलन कर रहे हैं नई बिलों को लेके, अब बैंकर भी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, तो क्या किसी इतने बुद्धिजीवी लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेके सच्चाई, सिर्फ सरकार को ही समझ आ रही है? इस हकीकत से आप भी अनजान मत रहिए, और आजकल हो सकता है कि आपकी परेशानी, जैसा मैम ने, सर ने बताया आपको, कि हो सकता है कि दो दिन आपको परेशानी हो, आप पैसे ना निकाल पाएँ, कई ज़रूरी काम ना कर पाएँ, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि लॉन्गर टाइम में क्या बदलने वाला है प्राइवेटाइजेशन को लेके, इसको लेके आप अवेयर होइए और इसकी बातें कीजिए। कैमरे के पीछे कुमार गौरव, मैं हूँ सुमित कुमार, उतरे सच में। एक मिनट सर, हम पब्लिक को बोलना चाहते हैं कि हम आम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये आप लोग का बैंक है और आज ये बिकने वाला है, इसे बिकने नहीं दें, आप लोग साथ दें, क्योंकि बैंक का निजीकरण से आम जनता, हम लोग जो सारे लोग हैं, सब कोई प्रभावित होंगे, अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगा, और आगे जाकर हम लोग का देश इससे बहुत ही खराब स्थिति पर आ सकता है, इसलिए हम आम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बैंक को निजीकरण ना होने दें।